रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली खूबसूरत के द्वारा मालवीय नगर पुलिस कॉलोनी में करवाया गया मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। देश भर में मनाया गया कारगिल दिवस आज से ठीक 24 साल पहले इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को घुटने के बल ला दिया था। ये वो जंग थी जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। हमारे जवानों ने बता दिया कि कश्मीर पर कब्जा करना पाकिस्तान का अधूरा सपना रहेगा। पाकिस्तान को पता है कि भारत अब और कफन नहीं गिनेगा बल्कि घर में घुसकर मारेगा। इसी कड़ी में आज कारगिल दिवस के मौके पर रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली खूबसूरत के द्वारा मालवीय नगर 7वीं बटालियन पुलिस कॉलोनी में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर डीसीपी तनु शर्मा और एसीपी शशि बाला ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। शिविर का संचालन पीपीआरटीएन अरुण रुंगटा ने किया और उनके साथ रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली की प्रेसिडेंट सुनीता वर्मा समेत रोटरी क्लब दिल्ली की पूरी टीम शामिल रही। इस चिकित्सा शिविर में कैंसर की जांच के लिए राजीव गांधी कैंसर संस्थान के डॉक्टर्स ने शिरकत और कैंसर जागरूकता और जांच जैसे मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का जांच किया। इसके साथ साथ सामान्य स्वास्थ्य में जैसे बीपी, शुगर, ईसीजी, पल्मोनरी परीक्षण फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा किया गया। वही आजकल की दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान यदि हमारे शरीर के किसी अंग को होता है तो वह आँख है। इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में हम अपने अंगों का और शरीर का ध्यान रखना भूल जाते हैं। इसी को देखते हुए इस स्वास्थ्य शिविर में आँखों की जांच के लिए सेंटर फॉर साइट द्वारा 200 से 300 लोगों का फ्री में आई चेकअप किया गया। सेंटर फॉर साइट के मार्केटिंग मैनेजर फरीद बेग ने बताया कि हम यहां पर लोगों को डिस्काउंट कूपन भी बांट रहे हैं ताकि लोग हमारे क्लिनिक पर इसका लाभ उठा सकें। दांतों की सुरक्षा के लिए और उनके चेकअप के लिए क्लोव डेंटल द्वारा सैकड़ों की संख्या में लोगों का चेकअप किया गया। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ शमीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहित बंसल है। मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में अटेंडिंग कंसल्टेंट हूँ। आज हम यहाँ पर आए हैं पुलिस लाइंस में जांच करने के लिए कैंसर की। बेसिकली तीन कैंसर होते हैं जो हम जांचों के द्वारा अर्ली स्टेजेस में पता लगा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी हैं हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया भर में, जिसमें से आते हैं मुँह का कैंसर, बच्चेदानी की मुँह का कैंसर और महिलाओं में स्तन का कैंसर। तो ये ज़रूरी है हम इन कैंसर्स को अर्ली स्टेज में जांच करके पता लगा लें ताकि इनका इलाज जल्दी हो सके और ये जो भी जिसको भी ये कैंसर हुआ है वो ठीक हो सके। ऐसा माना जाता है कि किसी को कैंसर हो गया फिर लोग कहते हैं कि जी कैंसर हुआ है, हम तो सही नहीं हो पा रहे, लाइलाज बीमारी है। नहीं, ऐसा नहीं कहना है, ये गलत है। हमें सतर्क रहना है, हमें जागरूक होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी परेशानी हो रही है उसे नज़रअंदाज ना करें, उसे समय से डॉक्टर के पास जाके दिखाएं और अगर जांचों में कुछ आता है तो अर्ली स्टेज में जल्दी ही, जैसे ही पता लगता है कि कैंसर है या उसके लक्षण लगते हैं, तो उनका इलाज शुरू कराएं ताकि ठीक रूप से उसका इलाज हो सके और उसे जड़ से ख़त्म किया जा सके। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, किसी के मुँह में कोई घाव हो गया, कोई अल्सर हो गया या सफ़ेद रंग का कोई धब्बा है ना, या मसूड़े से खून हुआ जा रहा है या फिर कोई ऐसा घाव है जो सही नहीं हो रहा, बार बार बन जाता है। लोग क्या कहते हैं कि चल ठीक है यार, छोड़ देते हैं ऐसे, बाद में जाके दिखा लेंगे, कोई परेशानी होगी तो देख लेंगे। या फिर क्या होता है, पहले तो अच्छे से खाना पीना खा रहे थे, फिर समय के साथ क्या हुआ, वो खा पी नहीं पा रहे ठीक से, है ना, तो लिक्विड डाइट पे आ गए, फिर धीरे धीरे और परेशानी होने लगी, फिर पतला पतला खा के काम चला रहे हैं, तो ये क्या है, फिर बिल्कुल ही नहीं खा पा रहे, फिर डॉक्टर के पास गए दिखाने तो पता लगा जी ये तो ईसोफेगस का कैंसर हो गया। तो अगर इस तरह की कोई भी परेशानियाँ हैं तो उसके लिए पहले से सतर्क रहना है और पहले से ही जांचें होनी चाहिए। कितने लोग आ चुके हैं कैंसर का चेकअप करवाने? बेसिकली राजीव गांधी की तरफ से आज हम यही तीन चीज़ों के लिए देख रहे हैं, एक मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर और बच्चेदानी, जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसका कैंसर। तो मैं बेसिकली मुंह के कैंसर देख रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास आज 20 से 25 लोग आए हैं जिन्होंने मुँह की स्क्रीनिंग करी है और उसमें हमें कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो हमें लग रहा है कि डाउटफुल हो सकते हैं कैंसर के लिए। उन्होंने हमें, उन लोगों को हमने हॉस्पिटल में बुलाया है ताकि आगे की जांचें करके पता लगा सकें कि कोई कैंसर के चांसेस तो नहीं है। बच्चेदानी का मुंह का कैंसर और स्तन के कैंसर के लिए मेरी कलीग हैं डॉक्टर साहब, वो आपको बताएंगी कि कितने लोगों की जांच बताएंगे।
यहाँ पे एक तो जनरल ब्लड टेस्ट चल रहे हैं फोर्टीज़ हॉस्पिटल की तरफ से, डेंटल चेकअप चल रहा है क्लोव हॉस्पिटल की तरफ से, आइस चेकअप चल रहा है सेंटर ऑफ साइट की तरफ से, और कैंसर डिडक्शन चल रहा है राजीव गांधी से, जिसमें माउथ कैंसर, पैप स्मेयर और ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का टेस्ट चल रहा है। अभी तक कितने लोग आ चुके हैं, कहाँ कहाँ से? अभी तक यहाँ पे राउंड अबाउट 250 तक लोग आ चुके हैं, और लेडीज़ बहुत खुश हुई हैं कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऐसा पैप स्मेयर जैसा टेस्ट कराया गया है। अभी लोग हमें बहुत अच्छे व्यूज़ देखे गए हैं यहाँ से, और अभी भी ये 2 बजे तक टाइम है और लोग आने की उम्मीद है, यहाँ से आसपास के लोग आएंगे आज के लिए, और आगे भी हम ऐसे कैंप लगाते रहेंगे। नहीं, आम जनता भी आ सकती है। वेग है, हम लोग सेंटर ऑफ साइट से आए हुए हैं, जो रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कैंप का आयोजन है। इसमें हम नेत्र का, आई का चेकअप कर रहे हैं, और हमने अभी तक 200 लोगों का लगभग यहाँ पर पुलिस लाइन के लोगों का चेकअप कर चुके हैं। और हमारे यहाँ पर जो आई का बेस्ट आई केयर नॉर्थ इंडिया का हमारा हॉस्पिटल है, हम यहाँ पर कूपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें 100 रुपये की OPD हो सकती है। और हम चैरिटी विंग में भी कुछ हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं नेत्र के लिए, जिसमें सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और यहाँ पर बहुत सारा जो ऑर्गेनाइज़ किया है वो रोटरी क्लब वालों ने किया है, सारे का सारा कैंप ये DCP साहब के सहयोग से ये कैंप यहाँ संचालित किया जा रहा है, और अभी हम 2 बजे तक इस कैंप में रहेंगे। ज़्यादातर कौन सी बीमारी आँखों में पाई जाती है? आँखों में जो अभी कंजक्टिवाइटिस चल रहा है, जिसे आई फ्लू कहते हैं, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें आँख जो है रेड हो जाती है और आँख में पेन भी होता है। बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है स्कूल में, क्योंकि ये आई फ्लू होता है, ये हवा के साथ साथ उड़ के बैक्टीरियल फंगस होता है, तो हवा के साथ साथ उड़ के लगता है इसमें, और फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हमारे हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट इस चीज़ के आ रहे हैं, तो उसको ट्रीट करने का एक ही तरीका है, दिन में 5-6 बार आप आँख धोइए हल्के वार्म पानी से, और उसको जो है आप आँख गर्मी में धूप में कम निकलिए, सनग्लासेस यूज़ कीजिए। सनग्लासेस यूज़ करेंगे तो आप आई फ्लू से बच भी सकते हैं, और आई फ्लू आपका पास भी नहीं आएगा, और जिसको आई फ्लू है उसको भी सनग्लासेस लगाना चाहिए केयर के लिए। और जो है बच्चों को, अभी मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि बच्चों को स्कूल में भी जिसकी आँख में दर्द है उसके पेरेंट उसको ना भेजें, फिलहाल बचा के रखें, और जिसको भी आई फ्लू हो रहा है वो अपने घर पर आराम करें। कितने डॉक्टर्स की टीम आज यहाँ पे लगी है? हमारे जो सेंटर फॉर साइट के 3 डॉक्टर्स आए हैं, 2 ऑप्टम आए हैं, और सपोर्टिंग स्टाफ है 4 लोगों का, जो सुबह से ही चेकअप कर रहे हैं।